नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एमसी चैनल पे। दोस्तों ये बिहार पुलिस का चौथा पार्ट है। इससे पहले मैंने तीन पार्ट अपलोड किए हुए हैं। यदि आपने उन तीनों वीडियो को नहीं देखा है तो तीनों वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप लोग एक एक करके तीनों वीडियो को देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं आज के इस चौथे प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, और यदि चाहते इसी तरह के परीक्षा उपयोगी वीडियोज आगे भी देखना चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन जरूर कर ले, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं या फिर लाइव आऊं तो इसकी सूचना मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु ऑक्साइड प्रकृति में उभयधर्मी होता है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु ऑक्साइड प्रकृति में उभयधर्मी होता है। मैंने आपको पहले भी कहा था, जो भी हाईलाइटेड पार्ट देखे इसे आप लोग ध्यान में जरूर रखें। और इसमें सही आंसर क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन ए एल्युमिनियम ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या है, अगला क्वेश्चन है, किसने सितंबर 2019 में टेनिस यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है। पुरुष एकल का खिताब किस चीज़ में, टेनिस यूएस ओपन। तो टेनिस यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है किन्होंने, राफेल नडाल ने, ऑप्शन सी राफेल नडाल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला क्या है, तो इस सभी को मालूम है आरावली। आरावली कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आरावली बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन को फिर देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। क्वेश्चन क्या है, कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ये प्रस्तावित किया गया था किसके द्वारा, स्लेडेन और श्वसन के द्वारा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है। एशिया का सबसे पुराना तेल क्षेत्र, सबसे पुराना तेल क्षेत्र, तो ये स्थित है कहाँ पे, असम में, असम ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं फिर, इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण इसमें क्या नहीं है, आयकर, आयकर प्रत्यक्ष कर है, तो इसलिए ये अप्रत्यक्ष कर नहीं है, तो सबसे अलग ये है, ऑप्शन ए आयकर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म किस राज्य में हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म किस शहर में हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश ऑप्शन सी। आगे फिर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह करने का आह्वान किस वर्ष किया था। क्या क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट के खिलाफ, हाईलाइटेड पार्ट को आप लोग जरूर देखा करें, ध्यान में रखें इसे, हाईलाइटेड पार्ट जो भी दिखे और साथ ही साथ आंसर, ये दोनों को याद आप लोग जरूर रखें। तो इसमें सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए 1919। आगे फिर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस किसने लिखी है। कौन से पुस्तक, वेल्थ ऑफ नेशंस, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ ऑप्शन बी। किस तिथि को बिहार दिवस या फिर बिहार डे के रूप में मनाई जाती है। तो बिहार दिवस या फिर बिहार डे मनाई जाती है 22 मार्च को, 22 मार्च ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी मिट्टी भारत में अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। इनमें से कौन सी मिट्टी भारत में अधिकतम मात्रा में पाई जाती है, तो भारत में अधिकतम मात्रा में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। जितने भी लोग ऑप्शन सी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को चिन्हित करने वाली नदी इनमें कौन सी है। भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को चिन्हित करने वाली नदी इनमें कौन सी है, तो वो नदी कौन सी है, महाकाली। इसे एक और नाम से जाना जाता है जो कि नाम है शारदा नदी, शारदा नदी या फिर महाकाली नदी, जो भी ऑप्शन में हो आप लोग आंसर कर सकते हैं। 2019 में कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी आस्ताना का नाम बदलकर क्या कर दिया। 2019 में कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी आस्ताना का नाम बदलकर क्या रखा है, तो आस्ताना का नाम बदलकर क्या रखा गया है, इसका नाम रखा गया है नूर सुल्तान, ऑप्शन
ए नूर सुल्तान। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? नूर सुल्तान। अगले क्वेश्चन को देखते हैं फिर। धातु पर फोटोग्राफी की प्रक्रिया का आविष्कार किसने किया? धातु पर फोटोग्राफी की प्रक्रिया का आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार किया किसने? जे निप्से ने, ऑप्शन सी। आगे फिर क्वेश्चन है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? भारतीय संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका समिति का अध्यक्ष कौन होते हैं? विपक्ष के नेता। विपक्ष के नेता लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फिर। बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार बिहार बंधु किस वर्ष शुरू हुआ था? बिहार बंधु किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1872 में। 1872, ऑप्शन बी। इसे केशव राम भट्टा ने शुरू किया था। ठीक है, ये भी पूछे जा सकते हैं। तो जो भी ऑप्शन या क्वेश्चन हो तो आप लोग आंसर कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, पूर्ति और मांग का सिद्धांत किसने दिया? पूर्ति और मांग का सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका सिद्धांत दिया किसने? अल्फ्रेड मार्शल ने। अल्फ्रेड मार्शल ने पूर्ति और मांग का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एथलीट्स फुट किसके कारण होता है? एथलीट्स फुट किसके कारण होता है? तो ये होता है कवक के कारण। ऑप्शन ए कवक। कवक के कारण एथलीट्स फुट होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं फिर। आगे क्वेश्चन क्या है, आईसीसी के किस शहर में मुख्यालय स्थित है? यानी कि आईसीसी के कहाँ पे मुख्यालय स्थित है? तो इसके मुख्यालय कहाँ पे है? इसके मुख्यालय है दुबई में। ऑप्शन डी दुबई। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत द्वारा पृथ्वी पर वापस परावर्तित होती है? वापस परावर्तित होती है, तो ये किसके द्वारा होती है? आयन मंडल के द्वारा। ऑप्शन ए आयन मंडल। हाल ही में सिलाब खाजा को जीआई टैग मिला, यह किस राज्य की पारंपरिक मिठाई है? तो किस राज्य की मिठाई है? बिहार की। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन को फिर देखते हैं, आगे क्या क्वेश्चन है। कामाख्या मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कामाख्या मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पे? असम में। असम, ऑप्शन सी। हाइलाइटेड पार्ट को सिर्फ पढ़ना है, कामाख्या मंदिर बस समझ जाएंगे इसमें आंसर क्या है, असम। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दिसंबर 1922 में गया वार्षिक सम्मेलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? क्या क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। दिसंबर 1922 में गया वार्षिक सम्मेलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे 1922 में गया वार्षिक सम्मेलन के दौरान? तो इनके अध्यक्ष थे सी आर दास। ठीक है, सी आर दास, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, अराकान योमा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पे? ये स्थित है म्यांमार में। ऑप्शन ए म्यांमार। ठीक है, और ये एक पर्वत है, यह म्यांमार में अराकान योमा एक पर्वत है। ठीक है, इसे राखीन पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं फिर। कंगना रनौत ने कितने राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं? कंगना रनौत ने कितने राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं? तो इन्होंने जीते कितने राष्ट्रीय पुरस्कार? तीन। ऑप्शन सी तीन। गारो हिल्स किस राज्य में स्थित है? तो गारो हिल्स स्थित है कहाँ पे? मेघालय में। ऑप्शन सी मेघालय। देनाली किस महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? देनाली किस महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो ये सर्वोच्च पर्वत शिखर है उत्तरी अमेरिका का। उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी। अगला फिर क्वेश्चन है, भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। ऑप्शन ए गोवा। आगे फिर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा शहर सिक्किम की राजधानी है? तो सिक्किम की राजधानी क्या है? सिंपल सीधे हाइलाइटेड पार्ट को पढ़ें तो ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बस क्वेश्चन क्या है? सिक्किम की राजधानी।
तो सिक्किम की राजधानी क्या है? सभी को मालूम है इसकी राजधानी है गंगटोक। ठीक है, सिक्किम गंगटोक। चलिए माउस काम नहीं कर रहा है ठीक से। अब ठीक है, गंगटोक ऑप्शन सी। भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? इसने क्या पूछा है? संगठन नहीं है, किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो भारत नाटो का सदस्य नहीं है, ऑप्शन सी नाटो। इनमें से कौन भारत में शीर्ष लीची उत्पादक राज्य, यानी कि लीची की सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होती है, भारत के किस राज्य में? तो भारत के बिहार राज्य में शीर्ष लीची उत्पादक है बिहार राज्य, ऑप्शन ए। अगला भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया किसके कारण होता है? तो मलेरिया होता है किसके कारण? प्रोटोजोआ के कारण, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना का निर्माण किया गया है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना का निर्माण किया गया है? तो नागार्जुन सागर परियोजना का निर्माण किया गया किस पे? कृष्णा नदी पे, कृष्णा नदी, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन को फिर देखते हैं क्या है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है नर्मदा नदी पर, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, रेलवे बजट और आम बजट किस वर्ष अलग अलग प्रस्तुत किए गए थे? किस वर्ष अलग अलग प्रस्तुत किए गए थे? तो ये प्रस्तुत किए गए थे अलग अलग कब? 1924 में, 1924 में रेलवे बजट और आम बजट अलग अलग प्रस्तुत किए गए थे। न्यूटन के पहले नियम को किस के रूप में जाना जाता है, यानी कि न्यूटन के पहले नियम को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इन्हें जाना जाता है किस नाम से? जड़त्व का नियम, ऑप्शन सी जड़त्व का नियम। फिर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, बिहार लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने कितनी सीटें जीती थी? तो कितनी सीटें जीती थी? 39, यानी कि 39, ऑप्शन ए 39। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अमुक्त माल्यद के लेखक कौन थे? अमुक्त माल्यद के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी। मुरुगन निम्नलिखित काल में से किस काल के प्रमुख देवता थे? तो ये प्रमुख देवता थे किस काल के? ये प्रमुख देवता थे संगम युग के, संगम युग, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कोलेस्ट्रॉल किस से संबंधित है? तो कोलेस्ट्रॉल संबंधित है किस चीज से? कोलेस्ट्रॉल संबंधित है वसा से, ऑप्शन डी वसा। और आप लोग जानते हैं वीडियो के आखिरी में मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता है, इसके आंसर आपको नीचे कमेंट्स बॉक्स में करने होते हैं। तो आज का क्वेश्चन है कि नेपाल के वर्तमान चीफ जस्टिस कौन है? आप लोग आंसर करके जरूर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं फिर आपसे एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें, और चाहते इस तरह के प्रैक्टिस सेट आगे भी देखना, परीक्षार्थियों की वीडियोस आगे भी देखना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं या फिर लाइव आऊं तो इसकी सूचना मिले आपको सबसे पहले। बाकी मैं मिलता हूं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।